हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साजिदा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग तरीका का नुस्खा शेयर करूँगी। इस तरह का नुस्खा ना ही आपने कहीं देखा होगा, ना ही आपने कहीं सुना होगा। तो दोस्तों, जब छोटे बच्चों को सर्दी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए इंस्टेंटली, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन लिया है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये काउंट कर सकते हो। ये देखिए, ये पूरे 7 लहसुन हैं जिनको मैंने अच्छे से छीन लिया है। तो दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा हमें लहसुन ना लेना है, ना ही कम करना है, पूरे 7 लेना है। और यहाँ पे मैंने धागा लिया है, और वो भी काला कलर का धागा है जिसमें मैंने सुई में धागा डाल के रखा हुआ है। आपको कोई और कलर का धागा नहीं लेना है, बिल्कुल काला ही लेना है दोस्तों। अब मैं इस तरह से, आप देख सकते हो, बीचों बीच में सुई को कोचूंगी और इसको एक करके सातों जो लहसुन है वो मैं ऐड करती जाऊंगी इस धागे में। तो मैं आपको आगे आगे बताती जाती हूँ दोस्तों। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको सर्दी हो जाती है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये इस तरह से माला बनाकर बच्चों को अगर पहनाएंगे दोस्तों, तो बच्चों को पूरी जो सर्दी है वो सोख लेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बच्चों को जब सर्दी बहुत ही ज़्यादा जाम हो जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, भाप दिलाते हैं, ऑक्सीजन दिलाते हैं दोस्तों। तो उससे बेहतर है ये घरेलू नुस्खा, जब भी आपके बच्चे को सर्दी हुई है या नहीं हुई है तो भी आप कर सकते हो, कभी सर्दी नहीं होगी दोस्तों। अगर कोई बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है दोस्तों, एक भी बार सर्दी जुखाम या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, अगर ये शुरुआत से करेंगे तो दोस्तों पूरी लाइफ में कभी भी सर्दी जुखाम बच्चों को नहीं होगा। इस तरह से करने से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलेगी दोस्तों, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी नानी जी नुस्खा बताती थी लोगों को और हम भी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो ये इस तरह से बांध दीजिए बच्चों की गले में, ताकि ये सीने पे रहे, नहीं ज़्यादा टाइट बांधना है आपको, नहीं तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। लूज़ ही बांधिए और इस तरह बच्चों के सीने तक का ये पहुँचना चाहिए, पूरी सर्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी, सोख लेगा ये गार्लिक, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से आपको करना है और आप खुद रिज़ल्ट अपने घर में अपने बच्चों पे देखेंगे। आजमाइए, फिर आप मुझे कमेंट्स करिए, अभी मत करिएगा, फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कोई भी उम्र वाले बच्चे हो, 4 साल, 5 साल या फिर छोटे से 6 महीने, 2 महीने, कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये बच्चे को खिलाना नहीं है, ये बच्चे को पिलाना है। इससे पूरी सर्दी जो है फ्रेंड्स सोख जाएगी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें।